आउट ऑफ द बॉक्स में अब देखते हैं पिक्सल 8 प्रो का रिव्यू। गूगल इस फोन की बड़ी हाइप क्रिएट कर रहा है, लेट्स सी कि पिक्सल 8 प्रो पास है या फिर फेल। So this is Google Pixel 8 Pro. First look at it and you'll see nothing much has changed when it comes to design. Pixel 7 Pro and 8 Pro almost ek hi jaise lagte hain, barring that extra hole in the camera bar in the 7 Pro. Pehle telephoto lens ke liye ek dedicated camera cutout tha, ab isko inhone primary and ultra wide camera ke saath ek special shape module mein integrate kar diya. I would say what an upgrade Google. Matlab kitna mushkil raha hoga na. Bhai, kya Google sirf is baat ke is baar humse extra 22000 rupees charge kar raha hai? Nahi bhai, there are worthy upgrades aur bhi upgrade hai. Matlab tu chup kare to main aage baat karu. मतलब ट्राइड एंड टेस्टेड डिजाइन है आई वुड से पिक्सल फोन्स का, जैसे हमने पहले भी देखा है एंड दे वेंट फॉर द सेम। बैक पर यू गेट फ्रॉस्टेड फिनिश लाइक आईफोन 15 सीरीज, या यहाँ पर फ्लैश के नीचे इन्होंने टेम्परेचर सेंसर भी दे दिया है एंड इसके थ्रू आप टेम्परेचर सेंस कर सकते हो किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी सर्फेस का एंड जिस भी चीज़ का आप चाहो। गोरिल्ला ग्लास विक्टस आपको बैक पे मिल रहा है एंड फ्रेम इज मेड ऑफ एल्यूमिनियम, सो इट लुक्स स्टर्डी एंड फील्स मोर प्रीमियम एंड कंफर्टेबल टू होल्ड देन पिक्सल 7 प्रो। गुड जॉब गूगल फॉर दिस। बट इनको ना फोन का जो वेट है वो थोड़ा सा यार कम करना चाहिए था। एंड्रॉइड में यार 213 ग्राम, मतलब थोड़ा सा हेवीयर साइड पे है। वो से OnePlus 11 को आप देखो या फिर S23 Plus को आप देखो, उनसे थोड़ा हेवी है ये। S23 Ultra है यहाँ पे जो उससे भारी है, बट दैट्स अ डिफरेंट फोन। हाथ में फोन थोड़ा सा भारी लगता है। IP68 वाटर रेसिंग रेटिंग आपको यहाँ पे मिल रही है, मतलब फोन को आप इजिली बारिश में यूज कर सकते हो, नो इश्यूज एट ऑल। डिस्प्ले की अगर बात करें तो डिस्प्ले का साइज जो है 6.7 इंच है लाइक द 7 प्रो विद सम ट्वीक। 6.7 इंच LTPO OLED पैनल है ये, विच लुक्स ब्यूटीफुल। डिस्प्ले पर अभी भी बेजल्स वैसे हैं, मेंटेन कर रहे हैं। बेजल्स यहाँ पे चिन पर है एंड ऊपर की तरफ साइड्स में भी हैं, सो इट्स नॉट अ प्योरली बेजल्ड स्क्रीन व्हिच इज फाइन। आई वुड से इफ यू विल सी तो ये आपको ना बिल्कुल 7 प्रो वाली डिस्प्ले लगेगी दूर से, बट इट्स ब्राइटर देन दैट। पिक्सल 8 प्रो की डिस्प्ले की पीक ब्राइटनेस है 2400 nits, जो पिक्सल 7 प्रो से बहुत ज्यादा है। पिक्सल 7 प्रो में आई थिंक इट वॉज 1500 nits एंड जब आप फोन को ना यूज करोगे तब आपको ये फील भी होगा, स्पेशली आउटडोर्स में सनलाइट में भी इसकी विजिबिलिटी बढ़िया रहती है। यू कैन क्लियरली सी द कॉन्टिनेंट टेक्स्ट विदाउट एनी इशूज। 120Hz रिफ्रेश रेट है, सो एक्शन बड़ा बटरी स्मूथ है फोन पे। गूगल इस डिस्प्ले को सुपर एक्चुअल डिस्प्ले कहता है एंड ये टर्म आई वुड से थोड़ा मार्केटिंग के लिए उन्होंने यूज की है, बिकॉज इट्स फॉर वेरिएबल रिफ्रेश रेट 1Hz से 120Hz तक, जो एंड्रॉइड फ्लैगशिप फोन्स में मतलब हम कई सालों से ऑफकोर्स देखते ही आ रहे हैं। कलर्स वैसे स्क्रीन पर अच्छे आते हैं, वाइब्रेंट कलर्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। मल्टीमीडिया कॉन्टेंट लुक्स ग्रेट ऑन दिस स्क्रीन, सो यू नोटिस कि यहाँ पर ना स्क्रीन की पीक ब्राइटनेस इन्होंने बहुत बेहतर की है, एल्स मोस्ट ऑफ थिंग्स आर सेम। नाउ लेट्स स्विच टू द कैमरा पार्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द गूगल फोन। So camera have always been the best part of any Pixel phone since inception. Pixel 8 Pro mein you get 15 megapixel primary camera, 48 megapixel ka telephoto lens hai with 5x optical zoom. Both primary and telephoto lens have OIS yahan pe and third lens also 48 megapixel ka ultra wide lens hai. This is an upgrade over 12MP ultra wide lens of Pixel 7 Pro. 50MP ka jo primary camera hai uska aperture low kiya inhone is baar badhiya hai f1.7 compared to 7 Pro, which means low light capabilities Google ne matlab naye phone mein badhiya कर दिए, इंप्रूव हो गई है बहुत ज्यादा। प्राइमरी सेंसर अच्छे फोटोज क्लिक करता है एज यूड एक्सपेक्ट फ्रॉम अ पिक्सल फ्लैगशिप, बट 7 प्रो के कंपैरिजन में मुझे कुछ बहुत ज्यादा रेडिकल डिफरेंस यहां पर नहीं दिखा। सो ओवरऑल पिक्सल 8 प्रो इज अमंग द बेस्ट कैमरा फोन्स नो डाउट, बट नो रेडिकल चेंज अदर देन दी अल्ट्रा वाइड लेंस है। हाँ, AI एडिटिंग टूल्स इन्होंने यहाँ पे जरूर इंट्रोड्यूस किए हैं, लाइक मैजिक इरेजर है यहाँ पे, बेस्ट टेक भी है, बट दीज आर जस्ट एड ऑन्स। गूगल ने इनको मतलब बड़ा मार्केट किया है एंड दे आर गुड, लेकिन किसी भी AI ऐप में आपको आई थिंक ये ना फ्यूचर में ऐसे टूल्स जो मिल ही जाने हैं। नाउ लेट्स कम टू द प्रोसेसर पार्ट। सो पिक्सल 8 प्रो इज पावर्ड बाय गूगल्स मोस्ट पावरफुल टेंसर G3 चिप एंड पिक्सल 8 प्रो ऑन दिस प्रोसेसर आई वुड से मतलब वर्क सीमलेसली, देर इज नो लैग व्हाटसोएवर। मैंने जितना इस फोन को यूज किया है एक बार भी आई वुड से मैंने लैग फेस नहीं किया, कोई कमी नहीं आई, कहीं फोन अटका नहीं, इट्स बटरी स्मूथ। दैट सेड, गूगल्स मोस्ट पावरफुल चिप मे नॉट बी द मोस्ट पावरफुल इन द इंडस्ट्री इन एंड्रॉइड, स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 इज बेटर देन टेंसर G3 ऑन बेंचमार्क स्कोर्स इफ यू कंपेयर, बट गूगल का सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन बढ़िया है, सो इट मेक्स अप फॉर दैट। 12 GB रैम आपको यहाँ पे मिलती है एंड स्टोरेज है 128 GB। भाई, 1,07,000 rupees में 128 GB, क्या बात कर रहे हो, 20,000 rupees में 256 GB स्टोरेज मिलती है। मतलब ही इज राइट, ये सिंगल वेरिएंट है, मतलब पिक्सल का 128 GB आपको यहाँ पे मिल रही है 8 प्रो में। माइक्रो एसडी कार्ड भी स्लॉट वैसे यहाँ पे नहीं है, सो 1,10,000 rupees में 128 GB स्टोरेज, दिस कुड बी अ डील ब्रेकर फॉर मेनी। एटलीस्ट 256 GB आई वुड से होना ही चाहिए था, दैट वॉज बैम मिनिमम। बैटरी 5,050 mAh की है, जस्ट 30W फास्ट चार्ज है यहाँ पे, समथिंग गूगल शुड लुक इन टू इन फ्यूचर इन पिक्सल फोन। नाउ लेट्स कम टू द कंक्लूजन। सो टू मी
पिक्सल 8 प्रो आई वुड से ओवरऑल इज अ गुड फोन। AI एनहांसमेंट्स यहाँ पर है, नया चिप आपने दे दिया है, परफॉर्मेंस बढ़िया हुई है फोन की नो डाउट, कैमरा में आपने इंप्रूवमेंट किए हैं बट नथिंग ग्राउंड ब्रेकिंग आई वुड से, रेडिकल चेंजेस यहाँ पर कुछ नहीं है एंड जस्ट 128 GB वेरियंट एंड प्राइसिंग भी यार आपने हायर साइड पर कर दी 1,07,000 रुपये। इंडिया इज अ वेरी प्राइस सेंसिटिव मार्केट, एप्पल को भी देखे तो आईफोन के प्राइसेस वो लास्ट सीरीज के आसपास ही रखता है बट गूगल ने इस बार पिछले फोन के मुकाबले 22 से 23,000 रुपये फोन पर बढ़ा दिए। सो इट्स अप टू पिक्सल फैंस टू डिसाइड कि क्या करना है।